Hello everyone, in the series of Indian Evidence Act, today we are going to discuss section 4. That is, the heading of this section is may presume. So the word may presume here is defined, and also shall presume and conclusive proof. These two words are also defined. So the heading is only may presume. May presume here it is written, that is whenever it is provided by this act. Ab aap yahan pe dekhenge jo word hai may presume, isme baat kari whenever it is provided by this act. जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट. अगर आप शैल प्रेज्यूम की डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पे आ रहा है व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट. और अगर कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन देखेंगे तो यहां पे आ रहा है व्हेनेवर वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट. तो यहां पे जो वर्ड आए हैं प्रोवाइडेड बाय, डायरेक्टेड बाय, डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट. दिस एक्ट का मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है. तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भी अगर कोई बात लिखी गई है, बताई गई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं ये. तो जो मे प्रेज्यूम की बात है, मे अगर वर्ड है इसका मतलब अगर हम समझे तो मे प्रेज्यूम का मतलब होता है कि आप ऐसा समझ सकते हो, ऐसा मान सकते हो. ये डिस्क्रिशनरी पावर है एक तरह से किसी भी चीज़ के लिए बात कर रही है जो आगे. तो अभी हम देखेंगे किसके लिए बात, किस बेसिस पे बात करी है. तो वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट मे प्रेज्यूम अ फैक्ट. कोर्ट के लिए बात कर रहे हैं कि जब कभी भी ऐसा माना जाए, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है, कोर्ट मान सकता है. ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की कि वो चीज उसको माननी है या नहीं माननी. इट मे बी आइदर रिगार्ड एज सच फैक्ट एज प्रूव्ड. वो कोई भी जो फैक्ट है उसको ये मान सकता है कि वो प्रूव्ड है. सपोज मान लीजिए मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ कि एक डब्बा है, मतलब एक बॉक्स है, उसका कलर लाल है, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसको वो लाल रंग का माने नहीं माने, रेड कलर का माने नहीं माने. ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है. अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड. अनलेस एंड अनटिल मतलब ये है कि जब तक वो ये प्रूव नहीं हो जाए कि वो एक रेड कलर का बॉक्स नहीं है, तब तक नहीं माना जाएगा. लेकिन अब वो प्रूव नहीं हो पाता है कि वो रेड कलर का बॉक्स नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो रेड कलर का है. लेकिन यहाँ पे भी वही डिस्क्रिशनरी है कि कोर्ट मानना चाहे तो मान सकता है, नहीं मानना चाहे तो नहीं मानेगा. और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट. और जो कोर्ट है वो उसके प्रूफ के लिए भी कॉल कर सकता है. मतलब जो एडवोकेट है उनसे बोल सकता है कि आप इसका प्रूफ दीजिए जो आप बात कर रहे हैं. सपोज मान लीजिए जो रेड कलर के बॉक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई बोल रहा है कि रेड कलर का बॉक्स है, तो रेड कलर के बॉक्स के लिए जो जज है, जो कोर्ट है, वो ये बोल सकता है कि आप इसको प्रूफ करें कि ये जो बॉक्स है ये रेड कलर का है. तो दैट इज मे प्रेज्यूम. अब मैंने यहाँ पे एक सेक्शन लिखा हुआ है, दैट इज सेक्शन 113A. सेक्शन 113A जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बात करता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन. अगर कोई शादीशुदा महिला और वो सुसाइड कर लेती है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसको अबेट किया गया है. और अबेट किया गया है किसके द्वारा? उसके हस्बैंड के द्वारा या उसके हस्बैंड के जो रिलेटिव हैं. कब और वो कब हो रहा है? वो शादी के 7 साल के अंदर अगर कोई सुसाइड हो रहा है. तो यहाँ पे ये कोर्ट मे प्रिज्यूम वाली जो पावर है इस सेक्शन में बता रखी है. द कोर्ट मे प्रिज्यूम हैविंग रिगार्ड टू ऑल अदर सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस दैट सच सुसाइड हैज बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड और बाय सच रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड. तो यहाँ पे मे प्रिज्यूम जो बात है वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है. कोर्ट ऐसा मान सकता है कि कोई भी महिला जिसकी शादी के 7 साल के अंदर अंदर अननेचुरल सर्कमस्टेंसेज में डेथ हो जाती है, तो ये मान लिया जाए. यहाँ पे बात करिए कि कोई भी महिला जो शादीशुदा है अगर वो सुसाइड कर लेती है, तो उसका जो सुसाइड का अबेटमेंट हुआ है वो ऐसा मान लिया जाएगा कि या तो हस्बैंड ने किया है या फिर उसके हस्बैंड के रिलेटिव ने किया है, उसको अबेट किया है सुसाइड करने के लिए. तो ऐसा मान सकता है कोर्ट, प्रिज्यूम कर सकता है. तो यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है. तो कोर्ट इसमें अगर कोई डिस्प्रूव कर देता है इसको कि नहीं, उसकी जो डेथ हुई है वो इन कारणों से नहीं हुई है, कुछ और अदर रीजंस थे उन कारणों से उसकी डेथ हुई है, या फिर कोर्ट उसमें प्रूफ के लिए भी कर सकता है एडवोकेट को कि आप ये प्रूफ करें कि ये जो डेथ हुई है ये इसी कारण से हुई है, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है. दैट इज मे प्रिज्यूम. फिर आता है शैल प्रिज्यूम. शैल प्रिज्यूम का मतलब है वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट. मतलब ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर किसी को डायरेक्शन दी जा रही है, मतलब किसी भी डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन दी जा रही है कोर्ट को, तो लिखा है आगे दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट. कोर्ट क्या कर रहा है? एक शैल प्रिज्यूम कर रहा है एक फैक्ट को कि ऐसा तो होगा ही होगा. कोर्ट क्या कर रहा है? कोई भी फैक्ट है उसको प्रिज्यूम करके चल रहा है कि हाँ ऐसा तो होगा ही होगा, और उसको डायरेक्ट किया जा रहा है. इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड. तो ऐसा माना जाएगा कि वो प्रूव्ड है
जब तक कि वो डिस्प्रूव नहीं होता है। अगर मान लीजिए इस एक्ट में किसी भी सेक्शन में ऐसा लिखा है कि जो भी एक बॉक्स होता है, जो भी जिसका साइज 30 स्क्वायर मीटर होता है, जो स्क्वायर है, जो साइज है उसका 30 स्क्वायर मीटर है, तो उसका जो कलर माना जाएगा वो रेड कलर होगा। अगर कोई ऐसा एक सेक्शन यहाँ पे मेंशन होता है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पे डायरेक्टेड है इस एक्ट में, तो ऐसा माना जाएगा। तो ये कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि कोई भी ऐसा बॉक्स जिसकी जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों का मल्टीप्लाई करके जब तो 30 स्क्वायर मीटर जो आ रहा है, तो वो रेड कलर का होगा, तो ऐसा मान लिया जाएगा। मैंने यहाँ पे भी इसके लिए एक सेक्शन मेंशन, जो एक्चुअल सेक्शन है वो है सेक्शन 113B, जो बात करता है प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ। दहेज मांगने के लिए किसी महिला की हत्या कर दी जाती है, तो ऐसा माना जाएगा कोर्ट के द्वारा कि वो जो हत्या हुई है वो दहेज के लिए ही हुई है। उसमें जो बात करी है, ये बात करी है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम सच पर्सन हैज कॉज्ड द डॉरी डेथ। तो ये जो कोर्ट है ये मान के चलेगा कि जो डेथ हुई है वो एक दहेज के लिए डेथ हुई है। अगर किसी महिला की डेथ हुई है तो दहेज मांगना चाह रहे थे और अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में डेथ होती है, तो ये मान लिया जाएगा कि दहेज के लिए इसको मारा गया है। तो दैट इज शैल प्रिज्यूम। यहाँ पे कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं है कि भैया हम तो नहीं मानेंगे, यहाँ पे कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। लेकिन लिखा है अनलेस एंड अनटिल डिसप्रूव्ड, ये जो लास्ट लाइन है, तो अगर कोई इसको डिसप्रूव कर दे, क्योंकि जो डेथ हुई है वो कहते हैं कि अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में नहीं हुई है, ये तो सिंपल एक्सीडेंट है, रोड पे जा रही थी महिला, उसकी डेथ हो गई। आप इसको इस सेक्शन में ला ही नहीं सकते कि डॉरी डेथ बोल ही नहीं सकते, रोड पे डेथ हुई है उसकी। तो यहाँ पे जो अगर वो डिसप्रूव हो जाएगा तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वो डिसप्रूव नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि वो बिल्कुल वो ऐसा ही एक्ट हुआ है जो ऐसा इस सेक्शन में लिखा हुआ है, वैसा माना जाएगा। फिर अगला जो है इसमें है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ साबित करता है व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। जब कोई एक फैक्ट डिक्लेयर कर रहा है ये एक्ट कि वो कंक्लूसिव प्रूफ है किसी दूसरे एक्ट फैक्ट का, जब कोई एक फैक्ट किसी भी दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है, तो ये डिक्लेयर कर रहा है, इस एक्ट में ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि वो जो फैक्ट है वो इस एक्ट फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है। द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ दैट वन फैक्ट, तो जो फर्स्ट फैक्ट है उसके प्रूफ होने पे ही, रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड, तो जो अदर मतलब दूसरा जो फैक्ट है उसको वो प्रूव मान लिया जाएगा। एक प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो उसके साथ में जो करस्पॉन्डिंग दूसरा फैक्ट है वो भी प्रूव मान लिया जाएगा। फिर आगे इसमें बात करिए एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिसप्रूविंग इट। और यहाँ पे जो डिसप्रूव करने की पावर है, जो मे प्रज्यूम और शैल प्रज्यूम में दे रखी है अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव, वो वाली पावर यहाँ पे नहीं है। कोर्ट ऐसी कोई पावर नहीं देगा दूसरी पार्टी को कि वो ये प्रूव करके कि ये जो एक्ट हुआ है ये गलत हुआ है, उसके लिए वो एविडेंस नहीं चाहता है कोर्ट। तो कंक्लूसिव प्रूफ का यहाँ पे एक एग्जांपल, अगर मैं जनरल एग्जांपल तो आपको सेक्शन के अकॉर्डिंग बताता था, सेक्शन जो 112 है, उसमें बात करिए बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, कि अगर कोई बच्चा किसी शादी, जो शादी जो कंटिन्यू है, जो शादी अभी चल रही है, डिवोर्स नहीं हुआ है मतलब अभी तक, अगर उस बीच में अगर कोई बच्चा होता है तो ये माना जाएगा कि वो बच्चा उन्हीं माता और पिता दोनों का है। ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो किसी और थर्ड पर्सन का है। जो मदर और फादर है, अगर उनकी शादी वैलिड है और शादी कंटिन्यू है, तो ये माना जाएगा कि वो जो बच्चा हो रहा है उनके, वो उन दोनों का ही है। इसमें इस सेक्शन में बात करिए 112 में, दैट इज कंक्लूसिव प्रूफ। सो दिस इज द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।